राहत की खबर है। चिकित्सा विभाग में 52,000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। हालांकि ये भर्तियां 2 साल में होंगी, लेकिन इससे नौकरी की बाट जो रहे नौजवानों के साथ अस्पतालों में भी व्यवस्थाएं सुधरेंगी। देखिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता सुदर्शन सिंह शेखावत की एक खास रिपोर्ट। चिकित्सा विभाग में होगी 52,000 पदों पर भर्ती, 2 साल में होगी 52,000 पदों पर भर्तियां। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, हॉस्पिटल केयरटेकर, नर्सिंग ऑफिसर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, लैब टेक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर, नेत्र सहायक, ईसीजी टेक्नीशियन, डेंटल टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट के पदों पर होंगी भर्तियां। नवंबर में 8,700 नर्सिंग ऑफिसर, डेंटल हॉस्पिटल केयर की भर्ती होगी। राजस्थान का स्वास्थ्य बजट 8.26% है, जो राष्ट्रीय औसत 6.18% से ज्यादा है। चिकित्सा विभाग की 52,000 भर्तियों में से बीते 8 महीने में 3,182 पैरामेडिकल और मंत्रालय कर्मियों को नियुक्ति दी जा चुकी है, जबकि अब 8,700 नर्सिंग कर्मी और डेंटल हॉस्पिटल केयर की भर्ती नवंबर में की जाएगी। सालों से अटकी पड़ी 2,543 फार्मासिस्ट की अंतिम वरीयता सूची इस सरकार ने जारी की। एनएचएम के तहत संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, संविदा नर्स और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रिक्त कुल 1,657 पदों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। राज्य में इसके अधीन संचालित मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सक शिक्षकों के 1,460 पदों पर भर्ती की जाएगी। साथ ही बजट में स्वीकृत 1,500 चिकित्सा अधिकारियों और 4,000 नर्सिंग कर्मियों के नए पद सृजित करने की घोषणा की गई है। गौरतलब है कि प्रदेश के कुल बजट में 8.26% यानी कि 27,660 करोड़ रुपए का प्रावधान केवल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए किया गया है, जो राष्ट्रीय 6.18% से ज्यादा है। पूर्ववर्ती सरकार ने अंतिम बजट में 23,972 करोड़ रुपए का स्वास्थ्य बजट दिया था। चिकित्सा विभाग में 52,000 पदों पर भर्ती होने से न सिर्फ बेरोजगारों को राहत मिलेगी, बल्कि इससे चिकित्सा सेवाएं भी बेहतर होगी और आमजन भी राहत की उम्मीद इन भर्तियों से कर सकता है। भले ही ये 52,000 भर्तियां 2 साल में होनी हो, लेकिन चिकित्सा मंत्री का कहना है कि करीब 8,000 नर्सिंग ऑफिसर और डेंटल हॉस्पिटल केयर की भर्ती नवम्बर में ही कर दी जाएगी। श्याम शर्मा के साथ सुदर्शन शेखावत, जन टीवी।